जरा ये जो हम चरित्र सुनने जा रहे हैं ना, ये अद्भुत नहीं है, परम अद्भुत है। भैया इसमें परम अद्भुत क्या है? अरे बोले, जन्म लेते ही अपने पिता की खोपड़ी पर सवार हो जाना, क्या ये कम अद्भुत है? जन्म लेते ही अपने पिता के मस्तक पर सवार हो गए भगवान। उसने ध्यान से सुनना, ये चरित्र अद्भुत नहीं है, परम अद्भुत है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः। ए परीक्षित, कृष्ण को जानते हो? कहा जानते हो? चार दिन तक इसीलिए तो हम भूगोल खगोल अवतार सब सुन डाले कि मेरे कृष्ण, मेरे परमात्मा की कथा आने वाली है। मैं उनकी बाल लीला, उनके जन्म लीला को बड़े आनंद के साथ सुनूंगा। और मैं क्या कृष्ण को भूल सकता हूं? मेरे पूर्वजों पर उनकी कितनी कृपा है। जैसे समुद्र में कोई छोटी सी मछली छोड़ दे तो उसमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होयल नाम की होती, एक मिनट में खा जाएंगी। महाभारत के समर में हमारे पूर्वज कितने थे? पांच थे ना। और कौरवों की सेना कैसे थी? समुद्र जैसी। लेकिन समुद्र जैसी कौरवों की सेना के मध्य में गोविंद ने उस सागर को ऐसे पार करा दिया जैसे बछड़े के खुर को पार करने में कोई समस्या नहीं होती। निवृत्त तरसई रूप गीय माना भव सदा छोत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा उमान विरचित बिना पशुघना पिता महामे समरंजय। मेरे पितामह उस समर में भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त न करते तो क्या महाभारत जैसा युद्ध हमारे पितामह जीत पाते? कभी न जीत पाते। इतने बड़े बड़े योद्धा थे उसमें। एक दिन तो दुर्योधन इतना नाराज हुआ भीष्म पितामह के ऊपर और कहा कि युद्ध नहीं करते हो, नाटक करते हो, तुम्हारा चेला अर्जुन और उससे नहीं जीत पाते हो। मुझे लगता है कि अनाज तो मेरा खाते हो पर अंदर से तुम लोग पांडवों से मिले हो। महाराज ये बात अच्छी नहीं लगी भीष्म पितामह को, प्रतिज्ञा कर लिया कि आज या तो अर्जुन नहीं या तो मैं नहीं। पहुंचते ही युद्ध में बाणों की बौछार कर दिया महाराज, एक एक करके अर्जुन के मुकुट काट दिए, छत्र काट दिए, बाण गिर गया, धनुष गिर गया, नीचे गिर पड़ा। बस अंतिम बाण मारना था और एक बाण में अर्जुन के प्राण निकल जाते। भगवान रथ चला रहे थे, सारथी का काम घोड़ों के पकड़े हुए रस्सियों को छोड़कर नीचे कूद पड़े और उठा करके महाराज एक रथ का पहिया, जैसे कोई शेर टूट पड़ता है वैसे भगवान भीष्म पितामह के ऊपर टूट पड़े। भीष्म पितामह ने भी धनुष बाण फेंक दिया। सरकार मुझे तो यही देखना था ना कि आपको अपने भक्त प्रिय लगते हैं या आपको अपनी प्रतिज्ञा प्रिय लगती है। पर आज पता चला, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदल दे देगा,
अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते, आज इस बात का निर्णय हो गया कि अपना मान टले तो टल जाए पर भक्त के ऊपर कुछ आ जाए भगवान इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। तो मेरे पितामह जिनकी करुणा और कृपा से जीवित थे मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं। तो अब भगवान के जन्म की पावन कथा प्रारंभ किया। सुनो परीक्षित, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो पुत्र हैं उनका नाम है अत्रि, अत्रि के जो पुत्र हैं उनका नाम है चंद्रमा और चंद्रमा के जो पुत्र हैं उनका नाम है बुध और बुध के पुत्र का नाम है पुरुरुवा और पुरुरुवा के सात पुत्र हुए आयु सतायु रय जय विजय, ये सब पुरुरुवा के वंशज हैं। इनके वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम विजय, विजय के पुत्र का नाम नहुस, नहुस के पुत्र का नाम याति सयाति अयाति वियाति और कृति, अयाति के जो पुत्र हैं उनका नाम है यदु और यहीं से यदुवंश प्रारंभ हो गया। ये पुरुवंश जिसमें दुष्यंत की भी चर्चा है, भरत की भी चर्चा है, रंतिदेव की चर्चा है, यह सब पुरुवंश में हुई और यदुवंश में ही अजमीढ़ देवमीढ़ सूरसेन ये आदि राजा हुए। सूरसेन की सात पत्नियां हुई, महाराज आठवीं जो उनकी पत्नी थी उसके गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म। अरे महाराज इतना जल्दी आपने सुना दिया, थोड़ा विस्तार से सुनाइए ना। तब विस्तार से सुनाना प्रारंभ किया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी, उसको द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई, सो पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। पिताजी ने उसे जंगल में डाल दिया, उठा करके ले गया उसको जरासंध और जब बड़ा हो गया तो वापस कर दिया। आ करके अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल करके कंस मथुरा का राजा बन गया। एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, सोचा कि समाज में हमारी स्थिति बड़ी खराब हो गई, पिता को जेल में डाल दिया तो बड़ी बेइज्जती हो गई, अब थोड़ा सा रेपुटेशन बनाने के लिए अच्छा काम करें, लोग गलत काम करते हैं तो कुछ अच्छा काम भी करते हैं, शादी विवाह भी कराते हैं कि चलो एक आध काम समाज को दिखाने के लिए कि हम बेटियों का विवाह करेंगे। कंस ने कहा कि हम भी अपनी बहन का विवाह करेंगे, चकाचक एकदम। विवाह किया किससे? वसुदेव जी से। अरे महाराज ऐसा विवाह किया, ऐसा विवाह, भले चंदा लेके किया हो लेकिन किया बड़ी चकाचक। विवाह करके इतना प्रसन्न हुआ, लोग भी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो एक काम तो अच्छा किया जिंदगी में। अच्छा आप 200 काम खराब करिए और एक काम अच्छा कर दीजिए तो समाज कहता चलो एक काम तो अच्छा किया। समाज क्षमा बहुत जल्दी करता है तुरंत। विवाह करके प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं बैठ गया रथ पर और रथ लेकर के चलाने लगा। वसुदेव और देवकी को लेकर के जा रहा था बढ़िया आनंद के साथ, तब तक रास्ते में आकाशवाणी हो गई, अरे कंस जिस बहन को
तू इतने प्रेम के साथ विदा कर रहा है ना, अरे भोज इसी के आठवें संतान से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे महाराज इतना सुनना ही था ना, तुरंत नीचे कूद पड़ा और कहा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है तलवार निकालता हूं और अपने बहन के गर्दन को ही काट के अलग कर दूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तुरंत उसने तलवार निकाला जिस बहन को प्रेम के साथ विदा कर रहा था, और निकाल करके तलवार गर्दन पर रखा। वसुदेव जी ने उसके पांव पकड़ लिया। इस दुनिया में कोई अमर हुआ है कि तुम ही अमर हो गए? भोज ऐसा मत करो। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सजायते। ये देह ये शरीर किसी का संसार में रहा है कि तुम्हारा रहेगा? बोले ये ज्ञान मत दो हमें, इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस पीछे हट जाओ गर्दन को काट देने दो। बस देने का चिंता मत करिए, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे जितने पुत्र होंगे वो सब ला करके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। पहले लोगों की वाणी का कितना प्रभाव होता था, पहले के लोग जो कह देते थे वो पक्का करते थे, आज के लोग जो कह देते हैं वो पक्का नहीं करते। चंदा जाओ कटवाने तो कहते हैं 11,000 लिख लो, बाद में कहते हैं 500 ले लो। तो बोले आपने कहा था, बोले उस समय कह दिया था, साथ में 10 लोग थे तो थोड़ी रेपुटेशन बनाने के चक्कर में कह दिया। पर ऐसा पहले नहीं था, लोग अपने बात के धनी होते थे, जो कह दिया वो कह दिया। मत मारो ये तुम्हारी बहन है, ठीक है तुम कहते हो तो, लेकिन चलो कारागार में डाल देते हैं। अब यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ने आकाशवाणी क्यों कराई? भगवान ही तो कराते हैं, भगवान का रिश्तेदार थोड़ी था कंस, मरने देते उसको? पर देवताओं से कहकर आकाशवाणी भगवान ने क्यों करा दी? अपने माता पिता को जेल में क्यों डलवा दिया? अपने माता पिता को इतना कष्ट भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि बिना परमात्मा के जब पत्ता नहीं हिल सकता तो फिर आकाशवाणी कैसे हो सकती है? आकाशवाणी का अर्थ है देवताओं की वाणी, तो देवताओं की बाड़ी बिना भगवान की आज्ञा के निकल सकता है कि उनके माता पिता को जेल में डाल दिया जाए? नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपने अपने माता पिता को इतना कष्ट क्यों दिया? भगवान ने कहा जान के दिया। क्यों जान कर दिया? भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त नरक में रहे ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं। ध्यान से समझना, मेरा भक्त नरक की यातनाओं का भोग करे ये तो सहन कर सकता हूं, पर मेरा भक्त किसी पापी के साथ किसी दुष्ट के साथ रहे ये मैं सहन नहीं कर सकता हूं। भैया बहुत ध्यान से समझना, मेरा मामा प्रबल पापी है। अब मामा लगभग ऐसे ही होते हैं, मामाओं से सावधान रहो। शकुनी मामा, कंस मामा, मामाओं का इतिहास कुछ अच्छा नहीं है हमारे यहां। मेरा मामा प्रबल पापी है और इसने विवाह किया है तो मेरे माता पिता इससे प्रेम बढ़ाएंगे, इससे प्रेम बढ़ाएंगे तो इसके पाप के भागीदार बनेंगे, इसके पाप के भागीदार बनेंगे तो पाप का प्रभाव मेरी माता और पिता पर भी पड़ेगा
और यदि मेरी माता और पिता पर पाप का प्रभाव पड़ गया तो परमात्मा का पुत्र नहीं बन सकता है। परमात्मा पापी का पुत्र कैसे बनेगा? इसलिए नरक में रह जाए वो ठीक, पर दुष्टों के संग में मत रहना। कुछ लोग कहते हैं ना साथ में, शराब नहीं पीता है, कैसा लड़का है ये, तो अपने घर में नल का पानी पी लेना और 2-5 हजार की शराब साथ में बैठकर मत पीना। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, किसी काम का नहीं है। ऐसे ऐसे साथ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे यहां तो नियम है, जाके प्रिय ना राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनी। भगवान की कथा में जो बाधक बने, भक्ति में जो बाधक बने उसको छोड़ दो,